is the class 10 subject maths. Today I will tell you question number 3 of exercise 4.3. Question number 3. Find the roots of the following equation. Find the roots of the following equations. Number first, x minus 1 upon x equal to x naught. Number 2, one upon x plus 4 minus one upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. Or call x not equal minus 4 comma. ये सॉल्व कर लें। डियर स्टूडेंट पे अटेंशन। सॉल्यूशन। फर्स्ट वी टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका गिवन है x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट वी चेंज इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज एलसीएम एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल थ्री एक्स। सो दैट विल कम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल, दैट द प्रॉपर क्वाड्रेटिक। चलिए तो जस्ट वी सॉल्व इट बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो जस्ट यू दैट इज माय एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे थ्री है अल्टीमेटली। तो दो आपने अपनी तरफ से लिखा, दो को कैंसिल होना है, थ्री अपॉइंट सिंप्लीफाई करोगे तो 3x आ जाएगा। ये बन गया 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab, और b स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इतना ही आपको माइनस करना पड़ेगा, जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफरेंस अकर्स और माइनस 1 इक्वल। तो डियर स्टूडेंट ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दैट मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एनी वन ऑफ यू टेल व्हाट इज द दिस क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ दिस। तो ये किसका एक्सपेंशन है, एक्स माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, करेक्ट, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस और बाकी सब उधर भेज दो। तो ये आपका हो जाएगा नाइन अपॉन फोर, प्लस में जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस। ये आपका इतना जो है आपने राइट साइड में भेज दिया, तो राइट साइड में जब भेजेंगे तो नाइन अपॉन फोर प्लस वन। अब ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम, एयर एलसीएम इज फोर, तो नाइन प्लस फोर, सो दैट इक्वल्स थर्टीन, थर्टीन अपॉन फोर। So therefore,
एक्स माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 13/4, क्लियर, प्लस माइनस रूट, सो दैट विल कम प्लस माइनस 13/2 और 13 पे रूट बना जाएगा और 4 का 2। अब आप क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल रूट 13/2, प्लस साइन ले लीजिए, है ना। अब ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल रूट 13/2 प्लस 3/2, तो ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 13/2 एलसीएम हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर सर साइन, ये एक्स वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसका जो है आप जब टेकिंग नेगेटिव साइन, इसी तरह से आप नेगेटिव साइन भी ले सकते हो। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन आप लेंगे तो एक्स माइनस 3/2 प्लस आप ले चुके हैं, माइनस लेना है, इक्वल माइनस रूट 13/2, एक्स इक्वल आ जाएगा 3/2 माइनस रूट 13/2, जरा ये उधर प्लस में चला गया, अब ये आपका हो गया 3 माइनस रूट 13/2, दैट यू क्लियर। सो एक्स के टू वैल्यूज हो गए, यू मे राइट इन दिस वे आल्सो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। यू मे राइट इन दिस वे आल्सो, देयरफॉर एक्स इक्वल आप लिख सकते हो 3, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, प्लस माइनस रूट 13/2, या इसे ऐसे लिख दो 3 प्लस रूट 13/2 कॉमा 3 माइनस रूट 13/2, दैट्स ओके। सेम वे यू मे सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ यू मे राइट डाउन द एस डब्ल्यू ऑल्सो, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व next questions with the help of our guidance or explanation or with the help of examples, clear, thanks.